आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी, उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक नवयुवक रहने आता है। अपने स्वभाव विचार से वो कुछ ही दिनों में गांव में बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसी गांव के एक बुजुर्ग को ये बात बहुत खटकती है। उनको लगता है अभी तो ये लड़का आया है, इतनी जल्दी कैसे पॉपुलर हो रहा है। तो उन्होंने क्या कि उसके बारे में एक अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। वो जहां भी बैठते 10 लोगों के बीच में तो कहते क्या जो पता है ये लड़का चोर है, कहीं भी बैठते यही बात दोहराते। धीरे धीरे उस गांव के लोगों को पता नहीं ये विश्वास होने लगा कि वाकई ये लड़का चोर है। और संयोगवश कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक बार चोरी हो जाती है, तो लोगों का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि ये चोरी इसी लड़के ने की होगी। और उन बुजुर्ग ने गवाही भी दे दी कि हाँ, ये चोरी इसी लड़के ने की है, मैंने देखा है इसे चोरी करके भागते हुए। मामला जब अदालत तक पहुंचता है तो जज साहब दोनों पक्ष को सुनते हैं, तो उन्हें समझ में बात आ जाती है कि लड़का चोर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर फैसला कल सुनाऊंगा, तब तक उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि कागज पे लिखिए कि ये लड़का चोर है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और घर जाते समय रास्ते में उन टुकड़ों को फेंकते हुए जाइएगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। जब दूसरे दिन सब अदालत में जमा होते हैं फैसला सुनने के लिए, तो जज साहब उन बुजुर्ग को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल आपने कागज के टुकड़ों को फेंका था। तो उन्होंने कहा जी मैंने फेंक दिया था। तो कहा अब आप जाइए और उन टुकड़ों को एक एक करके वापस चुन कर लाइए। तो ये बुजुर्ग थोड़े बिफर जाते हैं, थोड़े गुस्सा में कहते हैं कि जज साहब ये क्या बात आप कर रहे हैं, कल मैंने जो टुकड़ों को फेंका है वो हवा में कहाँ इधर उधर चले गए होंगे, अब उनको वापस चुनकर लाना तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है ये। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़का पूरी तरह से निर्दोष है, मुझे मालूम है और अभी फैसला मैं इसके हक में सुनाऊंगा, इसे बाइज्जत बरी करूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपने जो अफवाह फैलाई है, क्या आप एक एक व्यक्ति को ये बता सकेंगे कि ये लड़का निर्दोष है? आपने अफवाह फैलाई है, इज्जत को वापस आप कागज के उन टुकड़ों की तरह वापस ला सकते हैं? ये असंभव है। सो भविष्य में कभी भी किसी के साथ ऐसी खिलवाड़ मत कीजिएगा, किसी के चरित्र के साथ, किसी के जिंदगी के साथ, किसी के भविष्य के साथ। तो उन व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ईर्ष्यावश उन्होंने ऐसा किया था। तो दोस्तों, आजकल मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सेशंस ले रही हूँ, हाउ टू प्रिवेंट गॉसिप्स एंड रूमर्स। तो जब रूमर्स और गॉसिप्स की बात आती है तो हम भी बड़े चटकारे लेकर के सुनते हैं और उसे एक कान से दूसरे कान हम भी फैलाते हैं, हमारी भी भूमिका होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि इन सब बातों को वहीं पे विराम दें, उस कड़े को वहीं पे तोड़ दें, ताकि ये बात कम से कम हमारे माध्यम से आगे ना फैले। किसी के जीवन के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में कुछ भी अफवाह अगर हम फैलाते हैं तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जाने में या अनजाने में। इन सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन सब चीजों से खुद को बचा के रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी और ये मेरे विचार आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखते रहिए। स्टे ब्लेस्ड।